फ्रेंड्स, ऐसे मरीज जिनकी जिंदगी मलद्वार के रोगों का इलाज कराते कराते गुजर गई, ऐसे मरीजों की केस हिस्ट्री सुनकर मैं हैरान हो जाता हूं कि क्यों समय रहते ये मरीज ठीक नहीं हो पाए। तो इन्हीं सब बातों को प्रैक्टिकल रूप से देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मानव शरीर की पाचन प्रणाली को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका पाचन तंत्र कैसे सुधरेगा, क्योंकि पाचन तंत्र के अंतिम सिरे यानी कि मलद्वार पर बनती है बवासीर, भगंदर व फिशर जैसी समस्याएं, और मरीज अपना कब्ज ही ठीक नहीं कर पाता। सैकड़ों तरह के घरेलू उपाय कर चुके होते हैं, हजारों रुपयों की दवाइयां खा चुके होते हैं, पर सैर नहीं करते, कसरत नहीं करते। एक सैर ही है जो आप किसी और से नहीं करवा सकते। मेरे पास मरीज आते हैं जिन्होंने बवासीर का, भगंदर का 2 बार, किसी किसी ने 3 बार ऑपरेशन कराया होता है। कई मरीज तो ऐसे आते हैं, एक मरीज की गाथा आपको सुनाता हूं। उनको मैंने बताया कि आपकी केस के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने परमिशन दे दी मुझको ये वीडियो बनाने की। उन्होंने पहले फिशर का ऑपरेशन कराया था, काफी टाइम पहले, शुरू जब उनकी जवानी थी जब की बात है। फिर काफी समय तक वो ठीक रहे, फिर कुछ समय गुजरा, उनको फिर बवासीर हो गई। तो कुछ वर्षों तक उन्होंने फिर बवासीर का इलाज कराते रहे, दवाइयां खाते रहे, बवासीर का भी फिर उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। फिर जिंदगी के कुछ साल उनके गुजरे, फिर भगंदर उनको हो गई, तो उसका भी उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। इस तरह से 3 ऑपरेशन उन्होंने करा लिए। अब मलद्वार इतनी छोटी सी जगह है, 3 3 ऑपरेशन अगर हो गए तो आपके शरीर का वह छोटा सा अंग नेचुरल तरीके से कैसे काम कर सकता है। अब उस मरीज की स्थिति ऐसी है कि एक एक महीने में 15 15 दिन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी मलत्याग के समय दर्द हो जाएगा, कभी अचानक से खारिश खुजली शुरू हो जाएगी, कभी उठते बैठते डिस्कम्फर्ट फील होगा, लगेगा कि मलद्वार में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस से उनकी पूरी जिंदगी गुजरने वाली है। ये बात वो मरीज बहुत अच्छे से जान गए हैं। उन्होंने इस दौरान इतने डॉक्टर्स से परामर्श किया है कि सभी तरह की जानकारी उनको हो गई है। अब अगर ऐसे इंसान से कहा जाए कि अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाओ, जो बढ़ेगी सुबह सुबह सैर सपाटा करने से, तो ये आदमी जो बीमारी के डर से सैर सपाटा कर भी लेगा तो वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैंने 15 दिन सैर कर ली, अभी तक तो कुछ बीमारी में आराम नहीं लगा। तो ऐसे इंसान बीमारी से डर कर भागते हैं आयुर्वेद की तरफ, योग प्राणायाम की तरफ, तो वो कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं? तो दोस्तों, वो व्यक्ति रोग मुक्त हो सकते हैं केवल अपने विचार में बदलाव के कारण। उस व्यक्ति ने अपने दिमाग में ये ख्याल मजबूत कर लिया, ये यकीन मुकम्मल कर लिया कि अब मैं अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीकों से ही सही रखूंगा, तो आप यकीन मानिए वो व्यक्ति सफल होगा। हमारा शरीर बहुत अद्भुत चीज है। हमारे शरीर हमारे लिए वो सभी आवश्यक सामग्री बनाता है जिसकी इसको जरूरत है। लेकिन दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं होने देते, हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर श्रम करे, मेहनत करे, कसरत करे। हम चाहते हैं हमें कम से कम शारीरिक श्रम करना पड़े। असल में श्रम करने के बाद, कसरत योगा करने के बाद, जब माइक्रोस्कोप से मसल्स को देखा गया तो पाया ये गया कि इस कसरत को करने से हमारी मसल फाइबर में माइक्रोस्कोपिक डैमेज हुआ है, माइक्रो टीयर्स बन गए हैं। तो उस माइक्रोस्कोपिक डैमेज को हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद ठीक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम है कि हमारे शरीर में बनी टूटी
टूट फूट को, छोटी हो बड़ी हो, उसको ठीक करना। तो अगर हम कसरत व्यायाम के द्वारा रोजाना अपने शरीर को थकाते हैं तो रोज रोज हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में बनी माइक्रोस्कोपिक डैमेज को हील करता रहेगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा। इसी बात को और आसान तरीके से बताऊं तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो सेना है, जो फोर्स है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब किसी के शरीर की सेना रोज रोज प्रैक्टिस करती है, मान लो कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक सेना है, एक फोर्स है, जैसे किसी देश की सेना होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक जो सेना है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और हमारे शरीर की जो सेना है वो रोज प्रैक्टिस करती है, क्योंकि हम सैर करते हैं, तो जो आदमी रोजाना सैर कर रहा है उसके शरीर की जो सेना है, जो फोर्स है, वो मजबूत होती चली जाएगी, ताकतवर होती चली जाएगी। जब भी कोई बीमारी उस व्यक्ति के शरीर में घुसेगी जो रोजाना सैर करता है, उसके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, तो वो इम्यून सिस्टम उस बीमारी को उस व्यक्ति के शरीर में घुसने ही नहीं देगा। दूसरी तरफ देखें, एक व्यक्ति सैर नहीं करता है तो उसके शरीर की जो सेना है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की जो सेना है, वो कमजोर है। तो जैसे ही बीमारी आएगी तो पहली जो लड़ाई होती है बीमारी की, वो इम्यून सिस्टम से होती है। अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो वो बीमारी को शरीर में घुसने ही नहीं देगा। और अगर जो व्यक्ति सैर नहीं करता, जैसे ही बीमारी आएगी तो सबसे पहले बीमारी उसके इम्यून सिस्टम को हरा देगी और वो व्यक्ति बीमारी की चपेट में पकड़ा जाएगा। बीमारी की सबसे पहली लड़ाई आपकी इम्यून सिस्टम से ही तो होती है। तो अगर रोजाना आप अपने शरीर के सैनिकों को कसरत कराते हो तो आपका शरीर रोजाना स्वस्थ होता जाता है, हमारा पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है। कोई भी डॉक्टर किसी मरीज की पूर्ण देखभाल अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता, जब तक मरीज खुद जागरूक ना हो। डॉक्टर दवाई आपको देता है, साथ में वो ये भी बताता है कि आपने अपना आहार विहार कैसा रखना है। आप बवासीर का, फिशर का ऑपरेशन तो करा लेते हैं, लेकिन आप आहार विहार नहीं सीखते। आप सोचते हैं अच्छे डॉक्टर आपको ठीक कर देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका इम्यून सिस्टम क्या चीज है, वो कैसे और कितने आयामों से आपको बचाए हुए है और किस तरह से आपकी बॉडी में कार्यरत है। तो मेरे दोस्तों, अगर जवानी निकल जाने के बाद आपने कसरत योग शुरू भी किया तो सेहत में सुधार तो जरूर होगा, पर उसका उतना अधिक महत्व नहीं होगा। 40 साल के पहले के शरीर में ज्यादा बीमारियां नहीं होती, लेकिन 40 वर्ष के बाद अगर आपने कसरत योग व्यायाम शुरू नहीं की तो आप कितना भी अच्छा खाना पीना खा लीजिए, आपको कोई ना कोई रोग पकड़ सकता है, क्योंकि आसान काम नहीं है बुढ़ापे में सैर सपाटा शुरू करना, या कई कई बवासीर भगंदर के ऑपरेशन होने के बाद सैर शुरू भी की तो कितना फायदा हो पाएगा। अगर कोई समय है तो वो आज का समय है, आज ही अपने स्वास्थ्य को बदलने का बीड़ा आप खुद उठाइए और कसरत व्यायाम शुरू कीजिए। बवासीर भगंदर का ऑपरेशन हजारों आयुर्वेदिक चिकित्सक कुशलता से कर रहे हैं, परंतु सर्जन्स ऑपरेशन के बाद मरीज को ये नहीं बताते कि ऑपरेशन के बाद आपको रहना कैसे है, जिससे आप हमेशा ठीक रह सके। ये बात आज आपको मैं बता रहा हूं कि समय रहते सुबह सुबह बिस्तर छोड़ दो और सैर करने के लिए घर से बाहर निकलो, पार्क में जाओ, घर की छत पर जाओ। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे YouTube चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप बहुत आसानी से कसरत व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाइंस आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788 4333 नंबर पर
व्हाट्सएप कीजिए